आइए दोस्तों ये पेस देखते हैं। पहला अब बाज भाई की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड ऊपर से बाहर का गद्दा शो किया, उसने पतंग चलाई, इन्होंने पूरा गद्दा चला और उसकी पतंग थोड़ी सी अंदर आई है। बढ़िया पेच काटता हुआ अपोनेंट। आज उबैद से गेम है भाई, अपने उबैद, हमजा, शहजाद और भी बहुत सारे लोग हैं, हमजा, शाबाज। ये दोस्तों अगला पेज ले रहे हैं आरिफ सर। ऊपर से लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए बाहर की तरफ निकालते हुए निकालते चले जा रहे हैं। राइट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से है। उसकी पतंग अंदर आ रही थी, ये रख के झटके लगा रहे थे। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। इस बार फैसल भाई ऊपर से पेज लेने आए, कल वाले दिन बहुत ही अच्छे पेज लड़ाए थे जब उस्ताद आए थे आगा भैया जी। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर से हमारे फैसल भाई की है, थोड़ी कोनी हवा है तो अपोनेंट को फ़ायदा मिल रहा है। देखिए पतंग को तेज चला, राइट साइड नीचे से बाहर की तरफ निकाल दो, उसकी पतंग थोड़ी सी अंदर है, ये बाहर का शो किया है फैसल भाई ने। अंदर का गद्दा उतारा, ये झटक रहे हैं, उसने भी बलों पर रखा, वो भी पट पे थपक के बढ़िया पे, उसकी पतंग पूरी तरह से ख़राब है वो जानता है, और पट पे बढ़िया थपका है अपोनेंट ने, और लादना चाहिए था मेरे ख्याल से। चलिए अपोनेंट उबैद की तरफ से 6 पेज काट चुके हैं अब तक। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, गोल्डी भाई रोकने आए लेफ्ट साइड वाली ऊपर से। चलिए राइट साइड वाली पतंग देखिए, पतंग को चक्कर दे रहे हैं, हटाया नीचे किया, देखते हैं क्या करेंगे, कैसे रोकना है ये ले जाके रख के। कुछ लाए हैं, खाली हाथ आए, दुआएं लेके आए हैं, गोल्डी ने भर्रा छोड़ा तो उनको लगा कट गए, तो ऐसे आवाज किया तो गोल्डी भी मस्ती कर रहे हैं। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर से गोल्डी की, हल्के हल्के रखते हुए नीचे से 6 पेज काट रखे हैं, याद रखना है ये 9 की पतंग है ये, और रखा, उसने पतंग को चलाया बाहर खींचा, उसकी पतंग घूम के अंदर आ रही है, अब क्या होगा। बढ़िया पेज काटा है, बढ़िया, बिल्कुल सीधी ऊंची पतंग हो गई थी, खड़ी पतंग पे इनकी पतंग नीचे चलती चली गई, ऐसा एंगल बन गया था, अच्छा पेज काट के 7 पेज काट दिया है, 7 पेज उधर से हो गए हैं। दोस्तों 8वां पेज भी गोल्डी भाई लेने गए हैं रोकने के लिए। नीचे वाली अब पतंग देखिए, अब कोनी हवा उनकी तरफ हो गई है। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर वाली, जो चक्कर खा रही है गोल्डी भाई की, और राइट अंदर अंदर बढ़े हुए हैं अपोनेंट, थोड़ा सा ऊंचा किया गोल्डी भाई ने, वो अंदर बढ़ता चला आ रहा है। 1-9 इनके खिलाफ हमारे फैसल भाई काट चुके हैं, अब वो पलटने के लिए पूरी जी जान जो है लगा रखे हैं उन्होंने। हालांकि उधर से एक मैच में 8 हुआ था, अब आज एक बार फिर से 7 काट दिया है, बढ़िया लड़ाते हैं शाबाज, शहजाद, उबैद और भी बहुत सारे खिलाड़ी, शानू काफ़ी ज़्यादा नीचे करवा रहे हैं, नीचे के खिलाड़ी। ये रखा, उन्होंने पट किया और कट गए। कहीं ना कहीं वो जो पट मारता है, कई बार आपको मैंने दिखाया है, अक्सर पट मारने में पतंग कट जाती है क्योंकि ऊपर पतंग लगी रहती है और आप पट मार देते हैं, आपका झोल कट जाता है। चलिए 7 पेज अच्छे काटने के बाद कट गए भैया, मस्ती करते हुए गोल्डी। कफील और अब्दुल्ला है, हाँ तो कहाँ रहते हैं आप लोग? और आप गणेशगंज से? चलिए बहुत अच्छी बात, तो यहाँ इधर कैसे?
हमसे मिलने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी आ जाएंगे अब चैनल पे। खुद को देखिएगा। आइए पेज की तरफ आइए दोस्तों, ये पेज देखते हैं। गोल्डी भाई का आप नीचे से पेज ले रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए जो चक्कर खा रही है नीचे, और ऊपर से अपोनेंट। सात पेज इससे पहले काटे थे, बढ़िया पेज काटे थे, लेकिन उसके बाद अच्छा पेज काट के ख़त्म किया उनको। चलिए अंदर की तरफ ताकत से खींचा है और उन्होंने डोर पकड़ ली और रगड़ गई पतंग गोल्डी भाई की। चलिए जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम कर दिया है फिलहाल गोल्डी भाई ने। उसके बाद ये कट गया, बढ़िया पेज काटा है मेरे ख्याल से। किसने काटा है पता नहीं। आइए दोस्तों अगला पेज लेने आए हमारे फैसल भाई। आइए बढ़ करके लड़ा रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली ऊपर वाली पतंग देखिए जो लेफ्ट साइड ऊपर स्क्रीन के पास नाच रही है। पेज की रेंज है 350 मीटर। और अंदर बढ़ते हुए अपोनेंट ऊंचा कर रहे हैं, थोड़ा सा बाहर निकाला उन्होंने, करीब कराया इन्होंने, ऊंचा कर लिया पतंग फैसल भाई ने, और ऊंचा किया, ऊंचा करते चले जा रहे हैं। वो अंदर बढ़ रहे थे, थोड़ी सी हवा फिर से मूव हो रही है, घूम रही है, वो अंदर बढ़ते चले आ रहे। फैसल भाई ने पतंग बाहर निकाली और बाहर निकाली, क्योंकि हवा बहुत तेज़ी से चेंज कर रही है अपने रुख को। चलिए रखते हुए फैसल भाई लेफ्ट साइड वाली ऊपर वाली है अंदर की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने पतंग हटाई फिर अंदर की तरफ बढ़ते हुए तेज हाथों से चलते आ रहे। चलिए फैसल भाई रखते हुए बीचों बीच वो अंदर की तरफ बढ़े हुए हैं। उन्होंने खींचना स्टार्ट किया, इन्होंने जल्दी से पतंग को बचाया, फिर से रखा, वो अंदर की तरफ आते चले जा रहे हैं। बहुत उम्दा हबीबी। डबल पे ये पेच बनाया, शानदार पेच काटा है फैसल भाई ने। नहीं इनको भी रखो 252 नंबर। आइए आइए दोस्तों मन्नू भाई का ये पेज देखते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके रखा है मन्नू भाई ने, और अपोनेंट जो है नीचे से बढ़ता हुआ, एक पतंग जा रही है बीच में, ये देखिए एक पतंग भी जा रही है। मन्नू ने पतंग को ऊंचा किया ताकत से। चलिए फिलहाल पतंग जो है निकल गई है, देखिए एक पतंग जा रही थी। चलिए आइए फिर से पेज फेरे जाएंगे। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से पेज फेरते हुए अपोनेंट। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली मन्नू की अंदर बढ़ते हुए उन्होंने ऊंचा किया राइट साइड, नीचे से पतंग को तेज तेज चला रहे हैं, अंदर की तरफ उतार रहे हैं मन्नू, वो बाहर की तरफ खींच के हुए थपक्की ले रहे हैं, लेकिन थपकियों पर रोका है और ये कट गए। बढ़िया पेच लड़ाया था उन्होंने भी, लेकिन इन्होंने भी बढ़िया अंदर की तरफ ताकत से रुख दिखाया और डोरों पे रखा, अच्छा पेच काटा मन्नू ने यहाँ पे। आइए दोस्तों ये पेच देखते हैं मन्नू भाई का। आप नीचे के हाथ से पेच ले रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली नीचे से है। आइए दोस्तों लेफ्ट साइड नीचे से अंदर अंदर बढ़ते, वो बाहर की तरफ गद्दा शो कर रहे हैं, करीब करा रहे हैं। चलिए पतंग को चला रहे हैं, वो अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, बाहर के झटके लगा रहे थे उनकी पतंग अंदर आ रही थी, सेम पेच वैसा ही कट गया जैसे इससे पहले मन्नू ने काटा था। अच्छा पेच काटा है, बहुत ज़्यादा उतरने दे दिया, मौका मिलते बाहर सपाट खींच देते तब काम होता। आए दोस्तों मन्नू भाई का पेच देखते हैं। आइए पेज की दूरी मेरे पास से 350 मीटर के करीब, हवा चल रही है 10-11 की। लेफ्ट साइड वाली पतंग मन्नू भाई की ऊपर से पेज ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मन्नू भाई कट गए थे जो कि नीचे से पेज ले रहे थे, तो पेज उनके हक में रखते हुए मन्नू भाई लेफ्ट साइड वाली देखिए वो पट कर रहे हैं, बाहर की तरफ करीब करा रहे हैं और करीब का, वो अंदर की तरफ ताकत से खींच रहे हैं, मन्नू भाई ने बाहर खींच के बहुत ही अच्छा पेज काटा है। हाथों में जान अभी भी बाकी है और इनसे नीचे का पेच मांगा जा रहा है। आपने क्या कहा था?
आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं अब्बास भाई का। इससे पहले भी बढ़िया पेज काटा था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेफ्ट साइड नीचे से अब्बास भाई हैं, लेफ्ट साइड नीचे से अब्बास भाई हैं। पिछला पेज बहुत ही अच्छा क्रॉस पट मारा था उन्होंने, पूरा गद्दा चला, इन्होंने पतंग रोक के क्रॉस मारा, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं पेज को। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे नीचे से अंदर बढ़ते हुए, और राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से उबैद की पतंग, उबैद के टीम की। चलिए गद्दा रखा अंदर की तरफ, ताकत से खींच रहे, झटके लगाए वो कटे उधर, बढ़िया पेज काटा है ये वाला भी। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं एक बार फिर से अब्बास भाई का। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे नीचे से अब्बास भाई बड़े हुए हैं, ये देखिए करीब करता हुआ अपोनेंट, इन्होंने ताकत से पट मारा, झोल नहीं मिला, अंदर की तरफ ताकत से जा रहे हैं, वो पतंग चला के अंदर की तरफ लेके आ रहा है, फिर से गद्दा मारने की गलती कर रहे हैं और ताकत से खींचते हैं अब्बास भाई, शानदार ये पेज लगातार काटते हुए। आइए दोस्तों अब्बास भाई का एक और पेज देखते हैं, चौथा पेज देखेंगे हम लोग। लेफ्ट साइड अंदर बढ़ते हुए और अंदर बढ़ते हुए अब्बास भाई लेफ्ट साइड नीचे से हैं और अपोनेंट जो है राइट साइड ऊपर से है, देखिए बाहर हटा रहा है पतंग को, अब्बास भाई की पतंग में हवा नहीं लग रही है, अब्बास भाई की पतंग देखिए नीचे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार और लोगों तक शेयर करिए। लखनऊ के सबसे बड़े पतंग के खिलाड़ियों के मैं पेज दिखाता हूं आपको अभी, क्योंकि ग्राउंड भरे हुए हैं, थोड़े बहुत सूखे हैं तो अभी शुरू हुए हैं, लेकिन पेज वही लड़ रहे हैं, बिल्कुल करीब करा रहे हैं। उन्होंने अंदर रखा, अब्बास भाई ने ऊंचे मुड्ढे पे रोक ली पतंग, बढ़िया पेज काटा, ये भी बहुत ही अच्छा पेज काटा है। आइए दोस्तों पाँचवा पेज देख रहे हैं लेफ्ट साइड नीचे से, वो देखिए जल्दी से लेकर लादा, अंदर की तरफ थपक रहे हैं, डोरों पर रख लिया है, डोरों पर रखा है अब्बास भाई ने, वो गिरा उधर, बढ़िया डोर लड़ रही है, आमिर की लच्छी बांधी हुई है और आमिर की नॉर्मल बांझा भी बहुत अच्छा है। इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 6306887012 और ये मांझा आपको अवेलेबल हो जाएगा। अभी गोल्डी भी वही लड़ा रहे हैं, अब्बास भाई भी वही लड़ा रहे हैं, लगातार यही लड़ रहे हैं, सस्ते में बढ़िया मांझा है। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं, छठा पेज देख रहे हैं हम लोग, बढ़िया पेज फंस के अच्छे लड़ाए, अभी तक घाव नहीं ले रही है डोर, अच्छी बात यही है। लेफ्ट साइड वाली देखिए नीचे से अब्बास भाई अंदर की तरफ ताकत से खींच रहे हैं, वो काटा, कमाल का ये पेज काट दिया है, बहुत ही शानदार ये पेज काटा है, बिल्कुल खबर ही नहीं लगने दी, जिसे कहते हैं बल काटना, चक्कर कट गया हमारे भाई के। आइए दोस्तों सातवां पेज काट पाते हैं कि नहीं देखते हैं हमारे अब्बास भाई। उबैद से अब तक के गेम में फैसल भाई ने एक नौ काट रखा है, तो मतलब अभी तक 6-7 गेम हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं किंग आगे है एक तरह से, हालांकि आगे पीछे कुछ नहीं होता है, हमको तो आपको पेस सिखाना है। उन्होंने एक 8 काटा था 2-3-4 दिन पहले, वो गेम अभी अपलोडेड नहीं है, अभी अपलोड करूँगा, और आज एक 7 उधर से हुआ, और 6 काट के बने हुए हमारे अब्बास भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड नीचे नीचे काफ़ी ज़्यादा अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं, वो उन्होंने पतंग को काफ़ी ऊंचा कर लिया है। चलिए थोड़ी बढ़ है इस समय अपोनेंट की पतंग, वसीम भाई लड़ा रहे हैं, चलिए वसीम लड़ा रहे हैं ना, चलिए देखते हैं वसीम भाई कैसे रोकते हैं, चेहरे की तरफ बढ़े हुए, लगातार चेहरे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, ये और लादा थोड़ा सा खाली कराया, अब देखते हैं बाहरी खींचने का ही बन रहा है और कुछ बन नहीं रहा, और चेहरा लिया वसीम भाई ने, बिल्कुल चेहरा ले रखा है, कैसे भी काटना है चेहरा, अंदर खींच रहे थे वो, देखिए उन्होंने चक्करों पर रखा हुआ था, कहीं ना कहीं गलती करेंगे तो ही कटेंगे, यहाँ कहीं ना कहीं पतंग बहुत मजबूत थी वसीम भाई की और सिर्फ चक्करों पर रखा था, अंदर खींच के खुद कट गए अब्बास भाई, शानदार ये पेच काट रहे थे अब्बास भाई, 6 काटने के बाद कट गए। आइए दोस्तों नीचे से आने के लिए बोला है वसीम भाई ने, इससे पहले अब्बास भाई कट गए, 6 पेच अच्छे काटे थे, तो देखिए दोस्तों मांझे का रिजल्ट इसी से पता लगता है कि फंस के ना टूटे, काफ़ी सारी पतंगे फंसाए भी। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से मुन्नू भाई, बाहर का गद्दा शो किया वसीम भाई ने, मुन्नू भाई ने चक्कर दिया, ये पट मारा, वो अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, मुन्नू भाई ने ऊंची कर ली पतंग,
और ये देखिए भर रहा रखा था। अरे चलो चलो चलो, चक्कर दीजिए चक्कर दीजिए, चक्कर कमज़ोर हैं कहीं ना कहीं, चक्कर कमज़ोर है मुन्नू भाई के, लेकिन उनके बाहर के चक्कर है ये भी है। ओ वो देखो उस्ताद का कमाल, क्या बात है। एक हल्का सा भर्रा छोड़ा, गैप किया और बाहर की तरफ ताकत से खींच दिया। मुन्नू भाई का तो कोई जवाब ही नहीं है भाई, क्या बात है। लेकिन हाफ गए। तो दिखाते हैं कौन सा मांझा बना था, ये देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये लच्छी आई थी और इसी लच्छी से जो है अभी पेच लड़ाए गए थे, फंस के भी नहीं टूटी, कई सारे पेच हो गए। फिलहाल ये फैसल भाई की है, ये लीजिए। आइए दोस्तों इस पेच को समझते हैं। पिछला पेच तो क्या ही पेच काट दिया था हमारे मुन्नू भाई ने, अब तक का सबसे बेहतरीन पेच काटा आज के दिन का। भर्रा छोड़ा उसके पास, बाहर खींचा लेफ्ट साइड नीचे से, इस बार मुन्नू भाई हमारे मुन्नू सर हैं, और ऊपर पेच की रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, 450 मीटर के करीब। चलिए लेफ्ट साइड नीचे से अंदर की तरफ अपॉइंट लाते हुए, ये गद्दा रखा उन्होंने चक्करों पे रखा, चक्करों पे रखा है, चक्करों पे रखा है, बाहर के चक्कर है। हालांकि बल गलत ज़रूर है, लेकिन देखना है क्या होता है। वो कटा उधर, बहुत अच्छा पेच काटा है मुन्नू भाई का, कोई जवाब नहीं, क्या बात है। आए दोस्तों ये पेच देखते हैं शेखू भाई का, हमारे ऊपर से पेच ले रहे हैं लेफ्ट साइड। इससे पहले मुन्नू भाई कट गए, काफ़ी ज़्यादा हाथ पे उतर के उन्होंने गद्दा मार दिया, आखिरी में झटक भी लिया लेफ्ट साइड, ऊपर से गद्दा बनाते हुए उन्होंने पतंग रोकी और पावर से बाहर खींचा है। कमाल का ताकत लगाया है हमजा ने, ये पेच काटा है। अरे दोस्तों ये पेज देखते हैं, इससे पहले देखा आपने गद्दा रख के थपक दिया था गोल्डी की पतंग, देखिए राइट साइड अपोनेंट के, राइट साइड अपोनेंट के ऊपर से बाहर दिखाते हुए गोल्डी भाई ने ताकत से खींचा है, बहुत बढ़िया। उसी पे गद्दा मारने की गलती करके कम पड़ गई उनकी पतंग, थोड़ी पतंग अंदर भी जा रही है तो इससे वजह से वो कट गए। दोस्तों एक और पेज देखते हैं गोल्डी भाई का, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे नीचे से गोल्डी की, तीसरा पेज ले रहे हैं अपना, उधर से हालांकि एक साथ हुआ है, इधर से एक छः हुआ है। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, वो गद्दा रखते हुए ये थोड़ा सा पट कर रहे हैं अंदर की तरफ, उन्होंने तेज तेज पतंग को चलाया चलाया फिर अंदर की, हल्की पतंग अंदर की भी है गोल्डी भाई की जिससे मुझे दिख रही है, अंदर चलते चले जा रहे चलते चले जा रहे, वो पतंग चला के बाहर निकाल रहे हैं। चलिए झोल के पास है और यही झोल खींचेंगे, उन्होंने गद्दा मारा पतंग अंदर की तरफ जा रही है, वो थपकियों पर रोका, बढ़िया पेच काटा है अपोनेंट ने इस बार गोल्डी को। आए दोस्तों मन्नू का पेज देखते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से मन्नू की और राइट साइड नीचे नीचे बढ़ते हुए अपोनेंट, इससे पहले गोल्डी कटे हैं, ताकत से पतंग देखिए उनके अंदर घूम गई थी और उन्होंने बलों पे रोक लिया, अगर वो खींच रहा होता तो कट जाता, लेकिन समझदारी दिखाई। मन्नू भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है अंदर की तरफ जाते हुए, वो बाहर निकाल रहे हैं, मन्नू भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड, उसने पतंग चलाई, करीब कर रहे हैं दोनों, करीब कर रहे हैं, वो अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, इन्होंने पतंग चलाई उसने खींचा, इन्होंने अंदर की तरफ ताकत से दिखाया, बढ़िया पेच काटा, एक नंबर का पेच काट दिया मन्नू ने। नहीं नहीं मुझे को तो कोई ऐसी कॉल नहीं आई है, हाँ नहीं नहीं अभी मुझे ऐसी कोई कॉल नहीं आई है, कोई बात नहीं कॉल आते ही मैं जाऊँगा। ठीक 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 मन्नू की पतंग देखिए लेफ्ट साइड नीचे से, उसने गद्दा मारा, उन्होंने पतंग चला के बहुत उमदा पेच काट दिया है ये, क्या कहने, वो गद्दा मार दिया, इन्होंने पतंग सिर्फ चला दिया। देखिए मन्नू वहां पे हैं, इससे पहले एक और पेज काटा है मन्नू ने, मैं दिखा नहीं पाया, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन पेज वो भी था, बिल्कुल बल काट दिया अंदर खींच के, वो रख के बना ही रहते अंदर खींच दिया, उनके बल कट गया। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से, उन्होंने गद्दा दिखाया कि हल्का सा बाहर किया उन्होंने, मन्नू ने पतंग को चलाया अंदर की तरफ ताकत से खींचते जा रहे, वो गद्दा रख रहे हैं, नई डोर लगी, वो और गद्दा रखा है, मन्नू बाहर खींच रहे हैं,
बार झोल जो था इस बार कट गया क्योंकि सही मुड्ढा नहीं था, ये मुड्ढा सही नहीं था। देखते हैं किंग के मेंबर्स क्या क्या यूज करते हैं। मांजो आमिर की लच्छी, इसके अलावा देखिए ड्रैगन है, बशीर बेग है, और आगे चलते हैं ये भी आमिर की, आमिर का ही मांजा है। इसके अलावा ये कुछ अलग मांजे, ये ब्राउन वाला आमिर है, जैनुल आब्दीन वो रखा हुआ है, ये सारे मांजे हैं। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं। आरिफ सर की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली ऊपर से और अंदर अंदर बढ़ते हुए अपोनेंट। इससे पहले हमारे फैसल भाई कट गए हैं, उससे पहले फैसल भाई ने काटा भी था, चलिए उतार दिया ये बिल्कुल, झटके लगा रहे, बढ़िया पेज काटा है फैसल हमारे आरिफ सर ने, बहुत ही अच्छा पेज काटा, बिल्कुल झोल पे रख के तेज तेज थपकी मारी, वो पट मार रहे थे कट गए। आइए दोस्तों अब पेज देखते हैं गोल्डी भाई का, ऊपर का पेज काट के बढ़िया दिया है गोल्डी भाई को, नीचे से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं इस वक्त, देखते हैं। हालांकि उस्ताद वाले दिन 5 काटे थे बढ़िया पेज। लेफ्ट साइड वाले पतंग देखेंगे नीचे से गोल्डी भाई की, वो बाहर निकालते हुए, इन्होंने हल्का बाहर दिखाया, वो अंदर लेके आ रहे हैं, और अंदर की तरफ गए गोल्डी भाई, और अंदर गए, चलिए देखते हैं, और अंदर गए, चलिए सहला लिया, ये जल्दी से बल्ब बदल दिया अंदर के, हवा थोड़ी सी कम लग रही है, हवा कम लग रही है, हवा कम लग रही है, ये पट पे झटके और वो कटी उधर उसकी पतंग, बढ़िया पेज एक नंबर का सिग्नेचर पेज। आए दोस्तों पेज बना हुआ है, गोल्डी भाई की पतंग चली गई, आगे तार वाले ने फंसा लिए, अब्बास भाई पतंग अब पेज लेके आए, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे नीचे से अब्बास भाई, चलिए अंदर की तरफ दिखाते, उसने बाहर का गद्दा शो किया, अब्बास भाई पतंग चला रहे, उसने गद्दा मारा, अब्बास भाई ने ताकत से खड़ा खींचा, और ऐसे बहुत सारे पेज देखने को मिलते हैं अब्बास भाई की तरफ से, सिमिलर पेज लगने लगते। आइए दोस्तों अब्बास भाई का एक और पेज देखते हैं, हर तरह के पेज लड़ाने में माहिर है अब्बास भाई, खींच के थपक के फंसा के कैसे भी लड़ा लो। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, उसने गद्दा रखा, उसकी पतंग अंदर आ रही है, इन्होंने तेज तेज थपका, थपकियों पर रखा है, वो भी थपकी, वो देखे गिरा उधर, काफ़ी बेहतरीन जानकारी है इनको। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं एक बार फिर से, अब्बास भाई का पेज देख रहे हैं, लेफ्ट साइड नीचे नीचे बढ़ते हुए, अपोनेंट देखिए बड़े हुए हैं ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे नीचे से, अब्बास भाई वो पतंग चला चला, देखिए गालियां बकेंगे यहाँ पे लोग, तो आपको उसको नज़रअंदाज करना है, कई बार होता है इतनी बड़ी वीडियो बनाते बनाते मैं मिस कर जाता हूँ ये वॉइस काटना। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग, उसने गद्दा रखा, अब्बास भाई ने ताकत से बाहर खींचा है, बढ़िया आखिरी में उसने एक बल लेके ताकत से गद्दा मारा, हालांकि पतंग उसकी बाहर की थी तो गहरा गद्दा पड़ा। दोस्तों ये पेज देखते हैं, सचिन पेज लेने गए हैं, सचिन की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड ऊपर से और नीचे से अपोनेंट उबैद की तरफ से, चलिए पतंग को तेज तेज चला रहे हैं, ये सचिन रखता हुआ ऊपर से, वो अंदर की तरफ बढ़ते हुए, बढ़िया ताकत से खींच ले गया, ताकत का गेम था ये, अंदर की तरफ उतारना चाहिए था इनको जल्दी से, जगह ना देना था, लेकिन डबल पे खिंचवा लिया। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं, पोका की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड ऊपर से है, पोका की पतंग देखिए लेफ्ट साइड ऊपर से और नीचे लाता हुआ, अपोनेंट की पतंग देखिए राइट साइड नीचे से, चलिए लाता हुआ पोका बाहर निकाल रहा, वो अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, लेफ्ट साइड ऊपर से है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से पोका, ये रखता हुआ उसने हटाया और रखा, वो अंदर की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, थोड़ी पतंग बाहर की है, ये ऊंचा करता हुआ पोका,
लेफ्ट साइड वाली पतंग देखे, ऊंचा किया, पोका ने मारा गद्दा और बढ़िया पतंग उठती हुई चली आई। बढ़िया पेच काटा है पोका ने। आए दोस्तों लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए मन्नू की, यहाँ पे उन्होंने रखा, मन्नू ने कम किया, पोका ने गद्दा मार के दिया है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए अंदर अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं, और मन्नू की पतंग देखिए लेफ्ट साइड ऊपर नीचे से, वो देखिए गद्दा मार के खुद ही कट गया। ये बाहर खींच रहे थे, वो पता नहीं क्या कर रहे थे, गद्दा मारते ही चले गए, रोके ही नहीं पतंग। आइए दोस्तों ये पेज देखते एक बार फिर से, पिछला देखा आपने मन्नू बाहर ताकत से खींच रहे थे, वो पटक के कट गया ऐसा लगा। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, उबैद के खिलाफ फैसल भाई नौ काट चुके हैं, अब उसको रिटर्न करना है। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से अंदर ताकत से खींच रहा, वो देखिए इस पेज का कोई तोड़ ही नहीं है, मज़ा आ जाता है ये पेज देख के। और मन्नू ऐसे पेज कई बार काटते हैं, गोल्डी भी काटते हैं ऐसे पेज बहुत बार। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे नीचे से लेफ्ट साइड मन्नू, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए थोड़ी तफरी चल रही है और ऊपर से अपोनेंट रखते हुए। इसी बीच मन्नू बहुत ही अच्छे पेज लड़ा रहे। चलिए राइट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से गद्दा रखते हुए मन्नू ने क्रॉस पे हटाया, ताकत से अंदर खींच रहे, वो कटा उधर, बढ़िया पेज काट रहे हैं, मन्नू का कोई जवाब नहीं है, शानदार पेज लड़ा रहे। ये सारे पेज सीखने वाले हैं समझ लीजिए। आइए दोस्तों इसी बीच मन्नू भाई बहुत ही खतरनाक होते चले जा रहे हैं, तीन चार पेज काट दिया है अभी तक। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे नीचे से मन्नू एक बार फिर से बढ़ते हुए, देखिए यहाँ से पेच ले रहे हैं, ये आगे खड़े हैं। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे, अपोनेंट की पतंग ऊपर, शहजाद लड़ा रहे हैं अपोनेंट से। शहजाद ये शकील भाई के भांजे हैं, शकील भाई बिरयानी वाले, अपने अमीनाबाद में बड़ा फेमस बिरयानी है, टुंडे के जस्ट सामने गली है उसी में है। चलिए 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 लेफ्ट साइड देखिए नीचे से, ला यार सब्जी उठा के लाओ चरखी। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे नीचे से मन्नू भाई, ऊपर से शहजाद ऊंचा करते चले, यही ताकत से खींच दिया, वो देखिए उछली उनकी पतंग, बहुत खतरनाक। आइए दोस्तों एक और पे मन्नू भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड नीचे से, वो देखिए फिर अंदर थपका, वो गद्दा मार के फिर कटे, पांच हो गए इधर से, पांच होने का जल्दी से पेज दिखा नहीं पाए, वैसे कोशिश की थी लेकिन वैसा ही पेज काटा जैसा इससे पिछला काटा था। आइए दोस्तों पोका का पेज देखते हैं, मन्नू इससे पहले कट गए हैं, दिखा नहीं पाया था मैं, मन्नू इससे पहले बहुत ही अच्छे पेज लड़ा के कट गए। लेफ्ट साइड ऊपर से पोका रखता हुआ, पोका ने ही गद्दा मार के दिया था मन्नू को, पाँच पेज काटे थे मन्नू ने। चलिए अब क्या करेंगे अपोनेंट, राइट साइड नीचे से, अपोनेंट राइट साइड नीचे से, समझना है जगह को, ये रखा, ये गद्दा रख रहे, वो पट कर रहे हैं। इस बार जो है डोर पकड़ ली आखिरी में और रगड़ के कट गए पोका, बढ़िया पेच काटा है अपोनेंट ने। आइए दोस्तों ये पे जल्दी से देखते हैं, लेफ्ट साइड ऊपर से हमारे फैसल भाई अंदर जाते हुए, नीचे से शहजाद राइट साइड, इन्होंने गद्दा बनाया और गद्दा बनाया, वो खींच रहे, ये देखिए गद्दा मारा है ताकत से, उन्होंने थोड़ा सा लेट किया, जल्दी से गद्दा बना के शानदार ये पेच काटा है हमारे फैसल भाई ने, बढ़िया तेज तर्रार गद्दा। आइए दोस्तों अब नीचे का पेच लेके जा रहे हैं फैसल भाई, जो चक्कर खा रही है फैसल भाई की पतंग है काफ़ी, ये भी पतंग काफ़ी भारी थी, मैंने भी पतंग पकड़ी थी, ये कैसी थी मैं वही बता रहा हूँ आपको। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से, अपोनेंट ऊपर से रखता हुआ, दो पतंगें और उड़ रही हैं साइड में, वो छोड़ दीजिए, ये देखिए एक ऊंचा किए जा रहा है, हटा नहीं रहा है, हटाया उसने, इन दोनों पतंगों को देखिए। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से चक्कर खा रही है, अंदर जा रही है, ये हमारे फैसल भाई की है, ऊपर से रखते हुए अपोनेंट उबैद की टीम से, अंदर खींच रहे, ताकत से झटक रहे हैं, अब रुक रुके हैं, ओए होए थोड़ा सा आगे बढ़े,
पतंग उनकी भी चली गई लेकिन ये पट मार रहे थे, पट मारने से झोल ऊपर जाता है और अपनी पतंग कट गई। ये सारे पेच कई बार देखे हैं आपने। अच्छा अच्छा, चलिए शुक्रिया आपका। हाँ ठीक ठीक, पक्का, जब कह दोगे भाई। टाइम शाम के बाद रहता है। हाँ 6 बजे के बाद जब पतंग मत। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं। कुछ खाओगे बाबू? लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे फैसल भाई की ऊपर से। चलिए बाहर का गद्दा शो कर रहे हैं फैसल भाई, वो पतंग को चला रहे हैं, अंदर की तरफ थपक रहे। बहुत अच्छा पेज काटा है हमारे, बढ़िया पेज काटा है भाई ने। कितने हो गए? आइए दोस्तों, आज उधर से 1 7 हुआ है और 1 5 हो गए हैं। इसी पतंग से 5 हो गए। इधर से 1 6 हुआ, 1 5 हुआ है। 6 हमारे अब्बास भाई ने काटा था और मन्नू ने काटे हैं 5। चलिए मन्नू ही लड़ा रहे हैं ऊपर से। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, कोशिश पूरी कर रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं है। अच्छी पतंग लड़ा रहे हैं, तेज तर्रार यंगस्टर्स। चलिए बाहर खींचा है। ओए हो, लेट किया यहाँ पे, लेट किया है मन्नू ने। पेच यही लड़ाना था लेकिन बहुत लेट कर गए वो, तब तक खींच खाच के काम ख़त्म। सात पेच हो गए हैं, 7। आइए दोस्तों, 7 पेच काट चुके हैं, यानी 2 7 उधर से हो गए अभी तक। अब उसी पतंग से जिससे 7 हुए हैं, 8वां पेच लड़ने जा रहा है। लेफ्ट साइड ऊपर से रहेंगे इस बार, रोकने आए अब्बास भाई। चलिए चेहरे की तरफ बढ़ते हुए अंदर की तरफ आते हुए अपोनेंट देखिए नीचे से, बिल्कुल चेहरा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वसीम भाई ने काटा था अब्बास भाई को, वैसे ही लड़ा रहे हैं और बाहर निकाला, उनको मौका नहीं देना चाह रहे हैं अब्बास भाई। 1 फैसल भाई ने 9 काट रखा है, अब उसी का जवाब देने के लिए कई सारे मैचेस हो चुके हैं अभी तक। 8 हालांकि उन्होंने तीसरे चौथे मैच में काटा था, ये रखा और रखा। ओए होए, कहीं ना कहीं ये 8 हो गए हैं। बढ़िया पेच काट दिया, छू के कट गया, मुझे लगा फंसाना चाह रहे थे, फंसी नहीं लेकिन तो कट गई। आइए दोस्तों नवा पेस देखते हैं, लेफ्ट साइड ऊपर से गोल्डी भाई, देखते हैं नवा बचा पाते हैं कि नहीं। चलिए खींचा, रोका उसने, बहुत ही अच्छा पैरेलल खींचा था, उसने भी रोका, इन्होंने भी रोका। लेफ्ट साइड देखते हैं फिर से गोल्डी भाई, बाहर को दिखाते हुए वो करीब करा रहे, थपक रहा है वो, जल्दी से लादा अंदर के बल रखे। चलिए देखते हैं अब क्या होता है, नवा होता है कि नहीं। ऊंची करते चले जा रहे पतंग, अच्छी बात यही है कि वो ऊंची कर रहे हैं, अंदर के बल अब आने लगे हैं और ये 9 हो गए हैं। बढ़िया 9 पेच काट दिए हैं, ये देखिए उबैद नहीं काटे हैं, बढ़िया पेच काटे हैं। मस्ती कर, ये चीजें भी गोल्डी ही कर सकते भैया, सबके सबको लगा, मतलब यहाँ कोई ऐसा मौजूद नहीं था जिसको नहीं लगा था कि 9 नहीं हुए, क्या कहने। आइए देखते हैं फिर से एक बार, फिर से चलिए चुप रहेंगे सब लोग, चुप रहेंगे। आइए 9 पेज देख रहे हैं एक बार फिर से, एकदम ऐसा लगा कि पेज पे थे, इन्होंने एकदम डोर छोड़ दी और सामने वालों ने खुशियां मना ली। फिलहाल देखते हैं ये 9 हो पाते हैं कि नहीं एक बार। ये लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे गोल्डी की, ऊपर से हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए अंदर बढ़ रहे हैं, रोकी हटाई, टहला रहे गोल्डी, फिर से रखा ऊंचा किया। अपोनेंट की पतंग देखिए आपको राइट साइड दिख रही है, जो पतंग थोड़ी सी बाहर की है और अंदर उतारते चल रहे हैं। चलिए देखते हैं फिर अंदर की तरफ से अंदर जाते हुए, 1 सेकंड। चलिए पेच हटा लिया है क्योंकि एक पतंग जा रही है ऊपर, ये देखिए
ये पतंग जा रही है, इसीलिए पेच हटा लिए हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही मजाकिया अंदाज में उन्होंने भर्रा छोड़ा था, उन्होंने तो खुशियां मना ली। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग फेरते हुए ऊपर से गोल्डी, नवा होता है कि नहीं। एक फैसल भाई ने नौ काट के उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है ऐसा लग रहा है। और वो चलिए करीब करते हुए गोल्डी, गद्दा चल रहे, बस बस बस। पूरा गद्दा चल के उनका आठ पेज के बाद काट दिया गोल्डी ने। आइए दोस्तों, गद्दा मार के उबैद को रोका, बहुत ही अच्छे पेच लड़ाए थे। उबैद ने पूरी कोशिश की कि नौ पलट दे, बढ़िया खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ियों में हैं उबैद हमारे, बहुत ही अच्छे पेच लड़ा दिए उबैद ने। चलिए फिलहाल नौ तो कंप्लीट नहीं हो पाया, अगला पेच देखते हैं। लेफ्ट साइड ऊपर ऊपर नहीं, लेफ्ट साइड नीचे से गोल्डी हैं, लेफ्ट साइड नीचे से गोल्डी रहेंगे। चलिए देखते हैं, ये रखते हुए अपोनेंट हटाया और रखा, गोल्डी ने ऊंचा किया और बलों पे रखा, उनके बल अंदर है लेकिन पतंग कहीं ना कहीं कम है उनकी। अब देखते हैं क्या होता है, वो कटी, कोई बात नहीं, कम कट गई उनकी। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं गोल्डी भाई का, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से है गोल्डी भाई की, लेफ्ट साइड वाली नीचे से है अंदर बढ़ते हुए, बाहर का शो किया उसने, गद्दा मारा, इन्होंने ताकत से अंदर खींचा है, खींचते चले जा रहे, वो कटा आखिरी में, बढ़िया पेज काटा है गोल्डी ने। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं गोल्डी की पतंग, देखिए लेफ्ट साइड नीचे से गोल्डी भाई की पतंग, अपोनेंट की पतंग ऊपर से, तीसरा पेच मेरे ख्याल से ले रहे हैं ये, अंदर अंदर बढ़ते हुए और नवा बचाया, हालांकि बहुत ही अच्छी पतंग लड़ाई है उबैद की टीम ने, एक सात, एक फिर आठ, इधर से सिर्फ एक छः और एक पाँच ही हुए हैं। चलिए अब देखते हैं, ओए होए बाहर की तरफ खींच रहे थे उनकी पतंग, रुक नहीं नहीं नहीं, अरे भैया, अरे भाई ये तो कमाल जादू का पेज लड़ा दिया, ये जादू का पेज लड़ा दिया, कोई नया पेज ले क्या तुम। आए दोस्तों एक और पेज देखते हैं गोल्डी भाई की पतंग, देखिए लेफ्ट साइड नीचे नीचे, आज बड़े ही अजूबे वाले पेच आपको देखने को मिले होंगे, ऐसे ऐसे जगह इन्होंने भर्रा छोड़ा कि किसी को भी लगेगा कि कट गए, लेकिन नहीं, और इससे पहले वाला तो कमाल पेच काट दिया था। चलिए लेफ्ट साइड नीचे से उन्होंने गद्दा रखा, ये थोड़ा पट करके करीब कर रहे हैं, ताकत से अंदर की तरफ खींचते चले जा रहे, उसकी पतंग मुड़ के अंदर आ रही, वो कटी उधर विधायक निवास के पास, बहुत ही अच्छा पेच काटा है। हाँ बहुत लोग यहाँ, कोई ऐसा कोई लखनऊ का क्लब नहीं है जो अब तक ना आया हो, कुछ एक आध छूट गए तो छूट गए हो। आइए दोस्तों गोल्डी भाई का पेज देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा फटाव है दोनों पतंगों में, मैं स्क्रीन में दिखा नहीं पा रहा हूँ। चलिए बढ़िया, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से उन्होंने गद्दा मारा, इन्होंने ताकत से अंदर खींचा और वो कटा उधर पतंग, मेरे ख्याल से कितने चार पाँच हो गए होंगे, छः पेज हो गए हैं गोल्डी के। चलिए तो इधर से तीसरा, छः पाँच और छः हो चुका है, दोस्तों छः पेज काट चुके हैं अभी भी हमने, उसने काटे, पूछ लो हमने क्या, नहीं नहीं हम आइए दोस्तों लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए गोल्डी भाई की, छह पेज काट चुके हैं। कहाँ है, अच्छा इस तरफ है। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, नीचे से गोल्डी भाई छह पेज काट चुके हैं। चलिए देखते हैं सातवां कैसे रोकते हैं, और इसी पतंग से उबैद को काट के नवा रोका था। चलिए बाहर की तरफ निकालते हुए, थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए गोल्डी भाई की, करीब करते उन्होंने गद्दा चला, ये अंदर की तरफ ताकत से करते जा रहे हैं, ओहो बहुत अच्छा पेज, आखिरी में थपक दिया, शाबाश लड़ा रहे थे, जैसे ही देखा कि ये रुक दिखा रहे थे उन्होंने पतंग रोक के थपका, बढ़िया पेच काटा है शाबाश ने। नहीं नहीं,
अरे दोस्तों ये पेज देखिए, लेफ्ट साइड ऊपर से आपको अभी फोन सुना है मन्नू भाई, लेफ्ट साइड ऊपर से ये गद्दा मार रहे हैं, वो पट मार रहे हैं बाहर की तरफ दिखाते हो मन्नू भाई, और गद्दा मारा बहुत अच्छा पेज काटे, बढ़िया पेज काट दिया यहाँ पे मन्नू ने। चलिए दोस्तों, मन्नू से पतंग छीन के गोल्डी लड़ा रहे हैं, लेफ्ट साइड नीचे से बाहर का गद्दा दिखाते हुए अपोनेंट, राइट साइड ऊपर से अपोनेंट है, लेफ्ट साइड नीचे से गोल्डी भाई, लेफ्ट साइड नीचे से। चलिए ये खींचा स्टार्ट, उन्होंने अंदर दिखाया, डोरों पे रखा और ये कट गया। पतंग लड़ाओ, टेंशन मत रखो किसी बात की। हाँ नहीं यार, हम तुम्हें आज से थोड़ी जान रहे हैं आदिल भाई, लोग अबू भाई के जमाने से जान रहे हैं। ऊपर से रखते हुए अब्बास भाई, उनकी पतंग अंदर आ रही है, देखिए उनकी पतंग अंदर आई थी कहीं ना कहीं, और बढ़िया पेच काटा है ये अपोनेंट ने। ऊपर से मन्नू, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से मन्नू दो तीन पतंग काट दिए, नीचे से लड़ा रहे हैं उबैद की टीम के, अंदर की तरफ खींच रहे हैं, इन्होंने चक्करों पे रखा, बुक कटी खुद ही खींच के अन्दर कट गया, उन्होंने चक्करों पे बस मन्नू ने रोक लिया। देखिए आज बहुत सारी पतंगे जा रही है, ये देखिए उधर से एक आठ हुआ, एक सात हुआ, बढ़िया आठ उबैद ने काटे हैं, इधर से एक छः हुआ और पाँच, ये देखो खींच रहे थे ऊपर और कट गए, इधर से एक छः, एक पाँच, एक सात हुआ है। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं, ऊपर से अब्बास भाई आए हैं, दो तीन चार पतंगे मेरे ख्याल से काट दिए नीचे के खिलाड़ी ने उबैद की टीम से, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से है, समझना है ये बात, वो बाहर की तरफ निकाल रही, इन्होंने गद्दा रखा, चक्कर दिया, अरे 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 लगता है चिपक गई उनकी पतंग अब्बास भाई के मांझे में। ये दोस्तों पिछला तीन चार पतंगों में उन्होंने काट दी थी, लेकिन पिछले पेज में देखा अब्बास भाई के मांझे से वो चिपक गए, अब अब्बास भाई लेफ्ट साइड नीचे से बढ़ रहे, अपोनेंट की पतंग ऊपर, वसीम भाई लड़ा रहे, चलिए बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, छः पेज काट दिए थे तो अब्बास भाई को इन्होंने रोका था सातवें पे, और वसीम भाई ऐसे भी अच्छे खिलाड़ी हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं, वसीम भाई की पतंग देखिए राइट साइड ऊपर की तरफ से हैं, अजाने हो रही हैं, तो अब पतंग कुछ ही पेज देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा बाहर निकालते हुए अब्बास भाई, देखिए वो गद्दा लेके अंदर आ रहे हैं, और अंदर आ रहे हैं, थोड़ी पतंग बाहर की लग रही है मुझे वसीम भाई की, ये देखिए ये बाहर की तरफ ताकत से खींच रहे, वो अब अंदर की तरफ दिखा रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा लेट कर गए, मुझे तो लग रहा था डबल उठा लेते तो कुछ काम बन जाता। देखिए दोस्तों कितनी सारी पतंगें जा रही हैं, ये इसने लिपटा ली और ये लिपटा लिया। आइए दोस्तों ये पेज देख लेते हैं, अब्बास भाई की पतंग देखिए, अब्बास भाई की पतंग देखिए ये वाली है, लेफ्ट साइड नीचे से उसने गद्दा रखा, रोकी पतंग, पूरा गद्दा चला, अब्बास भाई ने ताकत से खींचा और इस बार पड़ा है गद्दा करारा, और गद्दा मारा शाबाज ने, बहुत ही अच्छा पेज लड़ा है। आइए दोस्तों ये पेज देख लेते हैं, ऊपर से आबिज लड़ा रहे हैं और नीचे से हमजा, माफ कीजिएगा, शाबाज हैं, चलिए गद्दा पड़ा, अब रोक के क्रॉस, बहुत अच्छा पेच काटा, एक भर्रा मारा, मुड्डा चेंज किया और चपटा बाहर ले लिया, उनके झोल के जो पीछे आ रहा था वो काटा। ये देखिए और पतंगे निकल के जा रही है, बहुत सारी आज पतंगे लड़ रही हैं, कल 2 अक्टूबर था तो आपने देखा कितनी पतंग लड़ रही है, आज कोई अक्टूबर नहीं है तो इतनी पतंग लड़ रही है। आइए इसे भी अगला पेज देख लेते हैं, ये देखिए नीचे से बढ़ते हुए कहाँ पेच हो रहा समझ नहीं, ओहो जानदारी हुई और कटे फैसल भाई,